अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4। ओपन योर बुक पेज 71। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज न्यूमेटिक्स। न्यूमेटिक्स डील्स विद द प्रेशर ऑफ गैसेस। सो The branch of physics which deals with the study of behavior of gases under pressure is called pneumatics. Pneumatics क्या है? Physics की वो branch है जो deal करती है किस चीज़ के साथ? Behavior of gases के साथ। कब? जब आप उनके ऊपर कोई pressure apply करते हैं। First of all, हम लोग gases का जो internal structure है उसे देख लेते हैं। Gases के अंदर जो molecules हैं उनके दरमियान forces of attraction weak होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। मूव करते हुए वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं और कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं। और ड्यूरिंग द एवरी कुलिंगन ये क्या करते हैं, इनका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है और कंटिन्यूली रैंडम मोशन में रहते हैं और कंटिन्यूली कोलाइड करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज़ के साथ और कंटेनर की वॉल के साथ। अब डिस्कस करते हैं इसकी इलस्ट्रेशन को। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर फ्री टू मूव बिकॉज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम आर वेरी वीक। व्हेन वी फिल अ कंटेनर विद अ गैस, द गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर एज वेल एज विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो द एग्जर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर कॉल्ड प्रेशर। मीन जब ये टकराते हैं तो फोर्स पर यूनिट एरिया लगती है जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। अब डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की परफॉर्मेंस के बाद दो फैक्टर्स फाइंड किए गए जिनके ऊपर प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ द टेम्परेचर एंड सेकेंड वन इज़ द क्वांटिटी ऑफ द गैस और मास ऑफ द गैस। अब इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर प्रेशर की जो डिपेंडेंस है वो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ गैस। यानी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ आपके गैस का प्रेशर किस तरह से बढ़ता है या क्या उसमें चेंज आता है, उसको हम इस टॉपिक में देखते हैं। टू डिस्कस द सिचुएशन वी कंसीडर द मास ऑफ द गैस इज कॉन्स्टेंट। यानी गैस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आप इंक्रीज नहीं कर रहे, क्वांटिटी ऑफ गैस को इंक्रीज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ गैस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। सो इसको डिस्कस करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसीडर करते हैं कि वी हैव अ बलून एंड वी हैव फिल्ड इट विद एयर, आफ्टर दैट वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर। जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसमें मौजूद एटम्स का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब इसमें मौजूद जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के पास क्या आएगी? हीट एनर्जी आएगी। अब एनर्जी जब किसी बॉडी के पास होती है तो एनर्जी को हमने डिफाइन किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर में, द अबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डू वर्क। यानी बॉडी की काम करने की जो सलाहियत है उसे हम एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे वो क्या काम कर रहे हैं? दे आर मूविंग फ्रीली। अब ये जो एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल्स को चाहिए मूव करने के लिए? सो हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू द एनर्जी दैट सपोर्ट्स द मोशन, जो मोशन को सपोर्ट करती है। अब जब इनके पास काइनेटिक एनर्जी आई तो मतलब ये ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा तेज़ी से जब ये मूव करेंगे तो ये अपने रास्ते में आने वाले दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएंगे और बलून की इनर वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। यानी इनका रेट ऑफ कोलिजन क्या होगा? टकराने का रेट बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टकराव होगा। आप जब ये टकराते हैं तो ये एक दूसरे के ऊपर या वॉल्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं और जब फोर्स पर यूनिट एरिया लगे तो प्रेशर जनरेट होता है। जितनी कुलियन ज़्यादा उतना ही प्रेशर ज़्यादा। अब जितना प्रेशर इस बलून के अंदर ज़्यादा होगा आपका बलून क्या करेगा? बर्स्ट कर जाएगा। सेकेंड सिचुएशन कंसिडर करें कि आपके पास टायर है और इसमें आपने हवा भरी हुई है। अब ये अगर हॉट समर डेज में इसे आप डे लाइट में रख देते हैं तो ये भी क्या कर जाएगा? बर्स्ट कर जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एयर के मौजूद हैं
उनके पास ज़्यादा हीट एनर्जी जब आती है, उनका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे उनका रेट ऑफ़ कूलिंग ज़्यादा होता है, और रेट ऑफ़ कूलिंग ज़्यादा होने से वो ज़्यादा फोर्सेस लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर और टायर की इनर वॉल्स के ऊपर, और इस तरह से प्रेशर आपका बढ़ जाता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो आपका टायर बर्स्ट कर जाता है। सो वी हैव डिस्कस्ड इट, कीपिंग द मास कॉन्स्टेंट व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द कंटेनर इज इंक्रीज्ड, द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एंड प्रेशर ऑफ अ गैस आल्सो इंक्रीजेज ड्यू टू मोर कूलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। यानी हमने कहा मास ऑफ कॉन्स्टेंट रखा, टेम्परेचर जो है कंटेनर का वो इंक्रीज किया, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हुई, हीट बढ़ी तो मोशन ज़्यादा हुई, जब मोशन ज़्यादा हुई तो प्रेशर ज़्यादा हुआ, और प्रेशर क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की जो कूलिंग है वो ज़्यादा हो गई है। एग्जाम्पल में जो दो हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए उन्हें हम रीड कर लेते हैं। ट्यूब टायर ऑफ अ बाइसाइकिल बर्स्ट इफ इट रिमेन्स स्टैंडिंग इन हॉट समर डे लाइट बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन द ट्यूब टायर इंक्रीजेज, ड्यू टू दिस द प्रेशर ऑफ अ गैस इन द ट्यूब टायर आल्सो इंक्रीजेज। सेकेंड हमने बलून की जो एग्जाम्पल ली वही डिस्कस की हुई है इधर। बलून इज इन्फ्लेटेड एंड पुट नियर फायर, इट बर्स्ट ड्यू टू द राइज इन टेम्परेचर कॉज्ड बाय द फायर, द प्रेशर ऑफ गैस इन साइड द बलून इंक्रीजेज। यानी यहाँ भी हम कह रहे हैं टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से बलून बर्स्ट कर गया। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेकेंड फैक्टर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ाने से प्रेशर पे क्या चेंज आता है। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर आप किसी कंटेनर में गैस की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, गैस में मौजूद नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से क्या होगा, कूलिंग का जो रेट है वो ज़्यादा होगा। जितने मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं उतने ही कूलिंग ज़्यादा है, उतना ही वो ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाएंगे, और इस तरह से जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बाई कीपिंग द टेम्परेचर कॉन्स्टेंट और इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ गैस इन द कंटेनर, द नंबर ऑफ कूलिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो इंक्रीजेज, देयर बाई इंक्रीजिंग द प्रेशर इन द कंटेनर। यानी जब हम क्वान्टिटी ऑफ गैस की वजह से प्रेशर में चेंज को स्टडी करेंगे तो हम टेम्परेचर को नहीं छेड़ेंगे, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएंगे, जस्ट गैस के मास को बढ़ाएंगे। सो इसमें भी हमने वही सेम दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, एक टायर की और एक बलून की। टायर में अगर आप ज़्यादा उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हवा बढ़ते हैं तो तब वो बस कर जाता है, और रीज़न यही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो कूलिंग ज़्यादा होगी, और इस तरह से प्रेशर ज़्यादा होगा अंदर टायर के और वो बस करेगा। इसी तरह बलून में भी अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसमें गैस को इंसर्ट करते हैं तो इस तरह से कूलिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा प्रेशर बिल्ड होगा और आपका बलून बस कर जाएगा। So the tube tire of bicycle burst if it's filled with more air because increasing the quantity of gas in the tube tire, pressure of gas or air increases, as a result the tire burst. So second mein, if the balloon is inflated more than its capacity, the pressure of the gas increases, as a result the balloon burst. Yani agar balloon mein bhi uski capacity se zyada mawab badhe to wo kya kar jata hai, phat jata hai, burst kar jata hai. Let's discuss that लास्ट टॉपिक ऑफ टूडेज लेक्चर विच इज कंप्रेसिंग अ गैस। वर्ड कंप्रेशन पे या कंप्रेसिंग पे आप गौर करें तो इसका मतलब ही यही है कि आप किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाकर उसको दबा रहे हैं। कंप्रेसिंग अ गैस मतलब आप गैस को स्क्वीज कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रेशर, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं बाय यूजिंग द फोर्स। आप गैस को कैसे स्क्वीज कर सकते हैं, कैसे प्रेशर लगा सकते हैं, गैस की एक प्रॉपर्टी है कि उसके जो एटम्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते, दूर दूर पड़े होते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि इट इज़ इजी टू स्क्वीज देम, एंड बाय स्क्वीजिंग यू कैन सी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस्ड। यानी यहाँ अगर आप देखें तो ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने वो इतनी जगह पे पड़े हुए थे, जब आपने इस पर कंप्रेस किया, फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया, तो उसके रिजल्ट के तौर पर ये जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। कंप्रेसिंग अ गैस क्या है, द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर नॉट वेरी क्लोज टूगेदर सो इट इज पॉसिबल टू स्क्वीज देम टूगेदर सो दे टेक अप लेस स्पेस और वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिंग अ गैस। और जो कंप्रेसिंग अ गैस है ये क्या करती है, आपकी गैस को प्रेशर में पुट कर देती है, इट पुट्स द गैस अंडर प्रेशर। आई होप आज के लेक्चर में जो कुछ हमने स्टडी किया है वो आपको समझ आ गया होगा। मेक श्योर कि आप रोज का काम रोज रेगुलर बेसिस पे साथ साथ करते हैं, रोज के लेक्चर साथ साथ तैयार करें ताकि एंड पे आपके लिए ज्यादा बर्डन ना बने। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।